Loan apps are blocked in India. So there is a good news for you. सारी फर्जी लोन ऐप बंद हो गई हैं. अब आपको इनसे परेशान होने की, इनकी पेमेंट करने की या इनके जाल में फंसने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ना ये ऐप रहेंगे ना लोग इनके जाल में फंसेंगे. जिस तरीके से जितने भी ड्रग्स होते हैं या जो भी एडिक्शन वाली चीज़, वो ना मार्केट में खुलेआम बिकती है, ना ही लोग खरीदते हैं और ना ही उनके जाल में फंसते हैं. अब उसी तरीके से ना ये लोन ऐप्स गूगल प्ले स्टोर पे रहेंगे और ना ही आप लोग इनके जाल में फंसेंगे. कौन कौन से लोन ऐप बंद हुए हैं उनकी लिस्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी विस्तार में, आधे घंटे की वीडियो होगी, वो आपके लिए लाएंगे. फिलहाल आप नीचे बैंक लोन ऐप जो आपके डाउट में हैं वो आप नीचे कमेंट कर दें, हम उसका जवाब आपको दे देंगे. या अगर आप या फिर जो भी बैन ऐप्स हैं जो हट गई हैं, अगर आपको उनकी जानकारी है आप नीचे कमेंट करें. वंडर लोन ऐप, फेथ लोन ऐप, कॉइन लोन ऐप, वेल क्रेडिट, वेल कैश, इस तरीके से जो भी लोन ऐप्स जो काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहे थे, जिनकी वजह से लोग सुसाइड कर रहे थे, अब किसी को सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. फिर भी अगर आप परेशान हैं आप हमें कॉन्टेक्ट करें, आपकी कंप्लीट मदद इस मामले में की जाएगी, जिससे कि आपको ना इनका पेमेंट का टेंशन, ना ब्लैकमेलिंग कॉल का, ना ही कॉन्टैक्ट में बदनामी का, ना ही उनको पैसे देने का. इनके अगेंस्ट कहाँ कंप्लेन करना है, अपने बचाव में आपको क्या क्या प्रिवेंटिव स्टेप लेने हैं, सारा कुछ आपको हमारे लॉयर्स के द्वारा बताया जाएगा. सो डैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट देयर पेमेंट ऑन देयर ब्लैकमेलिंग कॉल और एनी लीगल इशू, वेयर टू रेज अ कंप्लेन अगेंस्ट देम, what are the preventive steps you are supposed to take so that there will be no defamation or negative impression in your contact list and you don't have to worry about it. All these loan apps are completely banned. In case they are still available on Google Play Store, soon within a 10 to 15 days they are going to be removed. So please don't worry about them. Still you are facing any issue, just contact us and get our help. Share this video, like it, discuss.